जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शिव भक्ति में सराबोर होने का समय। इस महीने में की गई थोड़ी सी शिव पूजा से भी फल बहुत अधिक मिलता है। इस पवित्र महीने में भक्त शिवजी जी के प्रिय सोमवार के व्रत करते हैं। इस एक व्रत से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भौतिक सुख मिलता है। अब आज इस वीडियो में आपको सांवर सोमवार की कथा और भगवान शिव की आरती बताती हूँ। प्रेम मन और भाव से सुनना, इस कहानी को सुनने का बहुत फल है। अब एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी हमेशा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा अर्चना किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये हर सोमवार को व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें आग्रह करते हुए कहने लगी, प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार को आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना करता है। आपको बढ़िया भोग लगाकर एक समय ही खुद भोजन खाता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 13 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 13 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की इतनी अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह बनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि पुत्र की अल्प आयु है और वो इस रहस्य को घर में किसी को बता भी नहीं सकता था। जब पुत्र 12 साल का हुआ तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे वाराणसी भेजने का मन बनाया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़ा। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पे बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे को एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंता में था। उन्होंने इस बात का भय सता रहा था कि जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वो विवाह को तोड़ ही ना दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन दे के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन दे के राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर मैं वाराणसी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक के पत्नी बनाकर भेजेंगे वो एक आंख से काला है।
जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ऐसा लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं है। राजा ने सब बातें सुनकर राजकुमारी को अपने ही महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया, गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी 13 वर्ष की आयु हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण उठ जाने थे। सूर्योदय होने पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, दुख दिखाने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर से पास से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहा नहीं जाता, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में पास जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 13 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी फिर भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के वियोग में रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपका भोग लगा रहा है। पार्वती की विनती पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पलों में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए वापस उसी नगर में पहुंचे जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रहकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर उनके आने की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी इच्छाएं पूरी करना। अब हम भगवान शिव की प्रेम से आरती करेंगे। ओम जय शिव ओम कारा स्वामी, जय शिव ओम कारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धारा, ओम जय शिव ओम कारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृक्षवाहन साजे, ओम जय शिव ओम कारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओम कारा, अक्ष माला वन माला, रुंड माला धारी, स्वामी रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओम कारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक,
भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों वेका ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गाता स्वामी प्रेम सहित गाता कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पाता ओम जय शिव ओंकारा। बोलो ओम शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पताये। हर हर महादेव।